नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता जी की नवरात्रि चल रही है, आप सभी माँ का ध्यान कर रहे हो। आप प्रार्थना करें कि कोरोना नाम का राक्षस जो हमारे सबके बीच में आया हुआ है, इस राक्षस का माँ खात्मा करें। दोस्तों, आजकल हम घरों में हैं और ऐसी माँ की, बड़ों की कभी कभी शिकायत आती है कि हम भूल जाते हैं। कोई स्टेज पे जाता है बच्चा, बड़ा भी जाता है तो बहुत तैयारी की होती है, जैसे वो स्टेज पे पहुंचता है तो भूल जाता है। कभी कोई गायक भी भूल जाता है, कभी आप इंटरव्यू देते हो, फोन के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हो बेटा, तो भी जो आपको जवाब आता होता है बहुत बढ़िया आंसर होता है आपके पास, पर आप फॉरगेट हो जाते हो, भूल जाते हो। कुछ की कंप्लेंट है कि बहुत याद करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। और इस सब के लिए मौका है नवरात्रि का, माँ नील सरस्वती जी की साधना करें। इससे आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छी तरह से काम करना शुरू करेगा। आप जो 2 घंटे स्टडी करते हो, 1 घंटा स्टडी करोगे तो आपकी बात बनने लगेगी, आपका मन और एकाग्र होने लगेगा, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होने लगेगा। मंत्र साधना के लिए दोस्तों, मंत्र और ध्यान दोनों की जरूरत है, और दोनों के लिए आपको अच्छे गुरु की भी जरूरत है। जो साधक हैं, ध्यान वाले व्यक्ति हैं, आप जब उनको मिलते हो तो आप उनमें अंतर विशेष देख सकते हो। रविवार संडे को 5वां नवरात्रा है, इस दिन आप माँ नील सरस्वती जी की साधना कर सकते हैं। आप इस साधना को शुरू कीजिए, कम से कम 5 माला इस मंत्र की करें। जो बच्चे नहीं कर सकते उनके लिए उनकी मांग करें, पर 1 माला बच्चों को भी जरूर करवाएं, क्योंकि जो ज्ञान है, नॉलेज है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल रूप से नहीं करते हो तो दूसरों का ही ज्ञान रहता है। तो आप रविवार से इस मंत्र की साधना को शुरू करें। सफेद वस्त्र पहने, सफेद फूल मां को चढ़ाएं, अगर सफेद फूल नहीं है तो सफेद चावल चढ़ा सकते हैं। घी का दिया जलाना है, आप सबको पता है। मंत्र है एम वाने स्वाहा, एम वाने स्वाहा। आप थोड़ी देर ऊंचे स्वर में करें, फिर धीरे 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 मन में करें, आपके लिप्स भी ना हिलें। और ऐसे करते करते माँ सरस्वती जी का ध्यान करें। माँ सरस्वती जी की मूर्ति, माँ सरस्वती जी की पिक्चर रखें और ध्यान करते करते माँ से प्रकाश मांगें। ऐसे फील करें कि उनके चरणों से, उनके माथे से रेजेज निकल करके आप में प्रवेश कर रही हैं। दोस्तों, इस मंत्र का फल मैंने हजारों विद्यार्थियों पर, बड़ों पर देखा है जो मुझसे मिलने वाले हैं। आप भी रविवार को शुरू करें, संडे को शुरू करें, माँ कृपा करेगी कि आपका अच्छा होगा। इसके कम से कम 12 प्रयोग हैं माँ नील सरस्वती जी के। गायकों के लिए अलग है, डॉक्टरों के लिए अलग है, वकील के लिए अलग है, पर ये प्रयोग सबके लिए है। तो माँ कृपा करें कि आपका शुभ हो, अच्छा हो, आपके माँ सरस्वती जी की कृपा हो, आप ज्ञानवान हो, सूझवान हो। जय माता दी।